वेलकम टू सुरेंद्र टेक स्टडी चैनल। टॉपिक है एस्टीमेशन ऑफ पीसीबी। पीसीबी का मतलब फुल फॉर्म होता है पैक सेल वॉल्यूम, और इसका दूसरा नाम जो होता है मेथड, इसका जो मेथड है उसका नाम है हेमाटोक्रिट मेथड। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेंज जो होता है पैक सेल वॉल्यूम का, मेल का जो होता है 43 से 53% होता है, और फीमेल का जो नॉर्मल रेंज होता है 33 से 43% नॉर्मल रेंज होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी पीसीबी का टोटल मतलब वॉल्यूम जो होता है परसेंटेज का वो देखा जाता है ऑफ होल ब्लड ऑक्यूपाई बाय पैकेट आरबीसी व्हेन ए नोन एज वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर कॉन्स्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम के अनुसार क्या किया जाता है, हम लोग को जो इसको क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद परसेंटेज का जो एरिया होता है, जैसे कि देख नॉर्मल अगर लिया जाए एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए कि ये मान लीजिए पीसीबी का ट्यूब है, तो पीसीबी ट्यूब में ऐसे नॉर्मल लिया जाए तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल की 55%, यानी 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है, ठीक 55% प्लाज्मा होता है, और जो बाकी जो बच्चा कितना कितना 45 यानी 45% क्या होता है आपका आरबीसी होता है, और ये 55% जो हुआ, जैसे मान लिया कि यहाँ जो 55% है तो 55% में यहाँ पे 1% क्या होता है, यहाँ पे 1% जो होता है वो बफी कोट होता है, ठीक क्या होता है बफी कोट। बफी कोट में क्या रहता है, बफी कोट में मान लिया कि प्लेटलेट हुआ तो बफी कोट में प्लेटलेट रहता है, ठीक। तो इसमें हम लोग का जो जो वॉल्यूम जो होता है, जैसे प्लाज्मा जो एरिया होगा परसेंट, तो वही आपका क्या होगा पीसीबी का एरिया होगा यानी परसेंटेज होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं पीसीबी अगर मान लिया कि लो होगा तो कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, जैसे पीसीबी अगर मान लिया कि अगर पीसीबी अगर लो होता है तो डिजीज क्या क्या होता है, ठीक। तो जैसे मान लिया कि पहला कौन सा डिजीज होगा, तो एनीमिया हो सकता है, दूसरा क्या होता है हेमोडायसिस हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है ब्लीडिंग हो जाता है, चौथा क्या हो सकता है रेनल फ्लूड हो सकता है, और क्या होता है प्रेगनेंसी, यानी इस कंडीशन में क्या होगा पीसीबी क्या होगा लो हो जाएगा, इस कंडीशन में पीसीबी क्या होगा लो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, आप देखेंगे हम लोग हाई में, अब देखते हैं लो तो हो गया पीसीबी लो का, अब देखते हैं पीसीबी अगर हाई होगा तो कौन कौन सा डिजीज होता है। यहाँ पे देखिए पीसीबी अगर हाई होगा तो पीसीबी हाई होने का कंडीशन जो हो सकता है पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और क्या होता है लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, बर्न में हो सकता है, और स्मोकिंग में हो सकता है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा मतलब पीसीबी क्या होगा हाई होगा, पीसीबी हाई होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो देख लिए हम लोग क्या देख लिए कि ये सब डिजीज होता है, लेकिन अगर डिजीज होगा तो कैसे पहचानेंगे कि पीसीबी क्या है, कि अगर लो हुआ है कि हाई हुआ है। तो जैसे पीसीबी अगर मान लिया जाए कि अगर किसी का हाई लो है तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, यानी कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए शॉर्टनेस, यहाँ पे देखिए कि क्या हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, हार्ट क्या कहलाता है पाल्पिटेशन हो सकता है, ड्राई एंड डैमेज क्या हो सकता है हेयर स्किन हो सकता है, और क्या होता है स्वेलिंग हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, अब लोग लो में देख लिया, अब हाई में देखते हैं। अगर मान लें कि अब सिम्टम हम लोग कंडीशन देखते हैं हाई, यानी कि अगर हाई पीसीबी अगर हो जाएगा तो इसमें डिजीज, इसमें जो कंडीशन हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ क्या हो सकता है ब्रेथ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और क्या होता है इचिंग हो सकता है, और क्या होता है टेडनेस हो सकता है। तो अब हम लोग देख लिए कि कंडीशन देख लिए, डिजीज देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि पीसीबी हम लोग कैसे करेंगे। तो पीसीबी करने के लिए हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जैसे रिक्वायरमेंट में यहाँ पे है ब्लड सैंपल, तो जब भी हम लोग को ब्लड सैंपल चाहिए तो ब्लड सैंपल कैसा चाहिए EDTA यानी
EDTA, EDTA में ब्लड चाहिए, EDTA का मतलब होता है इथिलीन इथिलीन डाई डाई टेट्रा एसिटिक, टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ठीक, टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना, EDTA के लिए हमको सैंपल क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन पड़ेगा, मतलब सैंपल क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, सैंपल बिना कलेक्शन का सैंपल नहीं होता। इसके लिए रिक्वायरमेंट आप पता है कि कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है स्प्रिट होता है, कॉटन होता है, और सिरिंज या डिस्पोजल हो सकता है, और टर्निकेट होता है, इतना रिक्वायरमेंट चाहिए कलेक्शन के लिए, तब और भाइल चाहिए, यानी EDTA EDTA भाइल चाहिए, ठीक। तो ब्लड हमको EDTA भाइल में कितना चाहिए, तो 2 ml ब्लड चाहिए। अब दूसरा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे PCB ट्यूब, तो PCB ट्यूब होता है टोटल आपका क्या होता है, 0 से 10 होता है, तो 0 से 10 का मतलब होता है, मान लें कि 0 से 10 होता है, ठीक, तो ये सब परसेंटेज में होता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे 0 से मान लें कि 1 है, तो 1 का मतलब हो गया 10%, ठीक, तो मान लें कि 2 का मतलब होता है 20%, ऐसे ऐसे टोटल कितना कितना है, 100% है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे देखिए कि टोटल वॉल्यूम होता है, तो टोटल वॉल्यूम में देखिए यहाँ पे समझाया है कि यहाँ देखिए टोटल क्या है, 55%, यहाँ पे देखिए 55% क्या है, प्लाज्मा है, यानी कि 55% प्लाज्मा है, तो जो प्लाज्मा एरिया रहेगा वही क्या कहलाएगा, PCB कहलाएगा। तो इसमें देखिए बफी कोट जो है कितना है, 1% बफी कोट है, और ये जो बाकी एरिया है 45% ये क्या है, टोटल RBC होता है। तो कैसे होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक 100 तक, यानी 100 जो परसेंटेज होता है उतना तक क्या करेंगे, उसमें फिल करेंगे, यानी कि ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड को इसमें ऐड करेंगे, ठीक। ब्लड जो ऐड होगा वो किसके द्वारा होगा, तो हम लोग पास्चर पिपेट लेंगे, और पास्चर पिपेट के द्वारा EDTA ब्लड लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, कितना तक ऐड करेंगे, तो 100 तक, यानी 10 तक ला, 10 यानी कि 100% तक करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, तो एक दूसरे के द्वारा क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे, अगर मान लें कि एक के अपोजिट यहाँ पे है, तो इस एक के अपोजिट एक क्या करेंगे, इसमें ट्यूब लगाएंगे, एक के अपोजिट एक लगाएंगे। लगाने के बाद क्या करना है, इसको हम लोग को RPM जैसे 1500 से लेके 2500 तक क्या करेंगे, RPM RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट पे, क्या करेंगे हम लोग 15 से 20 मिनट तक क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कहेंगे। 15 से 20 मिनट तक जब सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, तो उस ट्यूब को क्या करेंगे, हम लोग इस सेंट्रीफ्यूज से बाहर निकालेंगे, और देखेंगे कि प्लाज्मा जो एरिया होता है, प्लाज्मा एरिया कितना है, और RBC एरिया कितना है। जो प्लाज्मा एरिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो मान लिया कि प्लाज्मा एरिया जो आएगा वही क्या हो जाएगा, PCV, यानी टोटल क्या हो जाएगा, पैक से वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम अब दिखाते हैं प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मिक्स द ब्लड सैंपल केयरफुली, जब EDTA में जब हम लोग क्या करेंगे, जब EDTA में ब्लड लेंगे, तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, उसको केयरफुली क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फिल करेंगे ब्लड को, ब्लड को जब फिल करेंगे, तो उस ट्यूब का नाम होता है विंट्रॉफ ट्यूब। पीछे बताएं कि क्या होता है, विंट्रॉफ ट्यूब होता है। विंट्रॉफ ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग, पास्चर पिपेट के द्वारा क्या करेंगे, 100 मार तक, यानी 100 मार तक क्या करेंगे, ब्लड को उसमें ऐड करेंगे। कितना करेंगे, 100 मार्क तक ब्लड को उसमें ऐड करेंगे। 100 मार्क ब्लड ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, यानी क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको रखेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको बैलेंस बनाएंगे, और बैलेंस बनाने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन को क्या करेंगे हम लोग, 15 से 20 मिनट तक कितना करेंगे, 1500 से 2500 RPM पे उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 1500 से 2500 RPM पे क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे रीडिंग को क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे, रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे प्लाज्मा एरिया और सीरम एरिया। तो जो प्लाज्मा एरिया होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग करेंगे, और फाइंडिंग करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कलर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर देखिए कलर अगर येल्लो कलर आता है, ठीक, मान लिया कि यहाँ पे मान लिया कि येल्लो कलर आता है, मान लिया कि यहाँ पे अगर येल्लो कलर आता है तो क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है।
मिल्की कलर अगर मान लें कि वहाँ पे आता है प्लाज्मा तो क्या हो सकता है, लिक्योमिया हो सकता है। क्लाउडी कलर अगर होता है तो क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। ठीक, उसके बाद मान लें कि रेडिश कलर अगर होता है तो रेडिश कलर में आपका क्या होता है, ब्लड मान लें कि अगर हेमोलाइज हो जाता है। ठीक, ब्लड अगर हेमोलाइज हो जाएगा तो कलर हो जाएगा रेड कलर, कैसा कैसा होता है, रेडनेस हो जाएगा। तो रेडनेस अगर कलर हो जाता है तो समझिए कि पीसीबी जो आप किए हैं वो क्या है, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, तो वो जो जो प्लाज्मा एरिया होगा, मान लीजिए जो प्लाज्मा एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। प्लाज्मा एरिया कैसा, क्लियर होगा, क्लियर होगा जिसमें कि अगर येल्लो कलर होगा, मिल्की कलर होगा, क्लाउडी कलर होगा तो राइट है। अगर मान लीजिए कि रेडिश कलर हो गया तो समझिए कि वहां पर क्या है, आपका रॉन्ग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखते हैं कि मान लिया कि आरबीसी लेवल यहाँ पे दिया गया है कि आरबीसी लेवल मान लिया कि अगर हाई हो जाता है। ठीक, मान लिया कि यहाँ पे अगर आरबीसी लेवल क्या होता है, अगर हाई हो जाएगा और प्लाज्मा एरिया क्या होगा, कम हो, मतलब आरबीसी लो हो जाएगा, यानी कि अगर मान लिया कि आरबीसी जो है क्या होगा, लो हो जाएगा और प्लाज्मा एरिया क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन जो होगा क्या होगा, एनेमिया का कंडीशन हो सकता है। दूसरा है कि मान लें कि आरबीसी क्या होगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। आरबीसी जो मान लें कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा यानी कि हाई हो जाएगा और प्लाज्मा एरिया क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोलीसाइथेमिया होगा। क्या होगा, पोलीसाइथेमिया होगा। ठीक, तो हम लोग अभी देख लिए क्या देख लिए हम लोग, ए थ्योरी पार्टिकल था, थ्योरी पार्ट था, थ्योरी पार्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख थ्योरी पार्ट देख लिए और इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिकल पार्ट इसका वीडियो बना चुके हैं। आप लोग इस सुरेंद्र टेक स्टडी में जाइए और बैक में जाके और देखिए, इसका प्रैक्टिकल जो है वो वीडियो बन चुका है और थ्योरी का चैप्टर जो बचा हुआ था वो हम अभी बना दिए हैं। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और